नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसडीएम कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत टास्क फोर्स की बैठक का एसडीएम श्वेता चौहान की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम श्वेता चौहान ने अभियान की सफलता को लेकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पोलियो की खुराक पिलाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के लिए भी निर्देश दिए। चौहान ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान में एक भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपखंड के सभी चयनित जगहों पर पर्याप्त स्टाफ तथा वैक्सीन कैरियर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि आगामी 17 जनवरी से 19 जनवरी तक पूरे उपखंड में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को सूचीबद्ध कर पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। साथ ही आमजन को पोलियो की खुराक के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपखंड प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 16 जनवरी को जन चेतना रैली का आयोजन किया जाएगा। चौहान ने बताया कि भारत देश में वर्षों से कोई पोलियो का केस नहीं मिला है। बैठक के दौरान अभियान के अंतर्गत आने वाले आयु वर्ग के बच्चों में 100% प्रतिरक्षित पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक के दौरान अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग की ओर से की जाने वाली विविध गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में तहसीलदार प्रदीप मालवीय, नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह, चिकित्सा विभाग से डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर सीएल परिहार, डॉक्टर पीएम बोहरा, बीसीएमएचओ डॉक्टर अमित सोनी, डॉक्टर पुष्पा, डॉक्टर के चौहान, विद्युत विभाग से एक्सीएन वीडी दुबे, शिक्षा विभाग से महेंद्र सांगेला, रोडवेज से गोविंद सिंह, रूप रजत नर्सिंग स्कूल से घनश्याम तथा पूजा नर्सिंग स्कूल से दीपक वैष्णव, जनचेतना मंच से एडवोकेट महेंद्र बोहरा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंधक कमेटी चारों पट्टिया ब्यावर की मासिक बैठक एवं विशेष सभा का आयोजन मेवाड़ी गेट बाहर स्थित श्री विश्वकर्मा भवन में रखा गया। सभा में 25 फरवरी को श्री विश्वकर्मा जयंती के लिए होने वाले कार्यक्रमों पर विशेष निर्णय लिए गए। कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंध कमेटी एवं जहांगीर समाज की विभिन्न संस्थाओं ने निर्णय लिया कि इस बार श्री विश्वकर्मा जयंती पर हर वर्ष की भांति होने वाले सामूहिक युवा सम्मेलन एवं श्री विश्वकर्मा भगवान की सवारी के नगर भ्रमण का आयोजन निरस्त रखा गया है। विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर भजन एवं हवन पूजा की बोलियां और जयंती के दिन हवन विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम सादे समारोह के साथ विश्वकर्मा मंदिर शाहपुरा मोहल्ला में किया जाएगा। बैठक में अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण पर विश्वकर्मा मंदिर से भी आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा की गई। जहांगीर समाज के प्रताप नगर स्थित भवन की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करने को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में श्री विश्वकर्मा, जहांगीर ब्राह्मण समाज, चारों पट्टिया प्रधान हनुमान बरडवा, मंत्री मुरलीधर दंदेवा, कोषाध्यक्ष ओम बरडवा, संरक्षक चतुर्भुज कुलरिया, किशन शिवनाथपुरा, सकल जहांगीर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर प्रसाद, उपाध्यक्ष शिवलाल देपड़ा, लालचंद दंदेवा, जहांगीर समाज मगरा प्रधान श्री किशन बुडल, युवा संघ अध्यक्ष सुनील मांकड़, रमेश खेराती, मोहनलाल इंद्रनिया, सुगन चंद लेखरा, गौरी शंकर बरनेला, गौरी शंकर शांतिलाल, भागचंद नागल, सीताराम बुधवाल, मीडिया प्रभारी नंदकिशोर पंवार, ब्यावर खास आदि उपस्थित रहे। ब्यावर जांगड़ समाज की आज की हुई मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और पारित किए गए। हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती पे जो सामूहिक सम्मेलन होता है इस बार कोरोना वायरस के चलते स्थगित किया गया है और जो शोभा यात्रा निकलती है विश्वकर्मा जयंती की उसको बड़े ही सीमित मात्रा में मंदिर प्रांगण के अंदर ही भगवान की पूजा अर्चना करके संपन्न करेंगे। शोभा यात्रा स्थगित है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार की जो गाइडलाइन है प्रशासन की उसी हिसाब से चलेगी। एवं आज की सभा में जो हिंदुओं की 450 पुरानी चीर प्रतिष्ठित जो भावनाएं थी राम मंदिर निर्माण की उसके अंदर भी समाज की तरफ से आर्थिक सहयोग जो भी है वो देने के निर्णय हुए हैं। एवं जहांगीर समाज का जो पुराने भवन है उनका जीर्णोद्धार करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी में हर साल जनवरी माह में सेफ्टी माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत WDFC EMP4 परियोजना द्वारा पांगट ग्राम यार्ड पर सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्मियों को कार्यस्थल के बीच अच्छे सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य अतिथि पैकेज प्रबंधक
सत्य कुमार और सुरक्षा प्रबंधक विकास कुमार एंड टीम द्वारा किया गया। महीने भर में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे स्लोगन, क्विज, नुक्कड़ नाटक, ड्राइंग आदि का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों और कार्मिकों के बीच सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राजदीप का हुआ तबादला, अब जगदीश शर्मा होंगे जिले के नए पुलिस कप्तान। निवर्तमान एसपी कुंवर राजदीप 2 वर्ष तक अजमेर में एसपी रहे, इसमें से 1 वर्ष तो कोरोना काल में गुजर गया, लेकिन इस कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की अवधि में राजदीप ने अपनी उपस्थिति फ्रंट लाइन वर्कर के साथ बनाए रखी, इससे संपूर्ण पुलिस फोर्स की हौसला अफजाई हुई। कोरोना काल में शिकायत मिलने पर राजदीप ने दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की। कुंवर राजदीप ने आम लोगों से सीधा संवाद रखा। जानकार सूत्रों के अनुसार राज्य के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठा ने राजदीप की कार्यकुशलता को देखते हुए ही सीकर का पुलिस अधीक्षक बनाया है। अब अजमेर जिले की कमान नए एसपी जगदीश शर्मा को सौंपी गई है। शर्मा पूर्व में अजमेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं, तब एस सेंगाथिर पुलिस अधीक्षक थे। यह संयोग ही है कि जब शर्मा अजमेर के एसपी बने हैं, तब एस सेंगाथिर की नियुक्ति अजमेर में ही रेंज आईजी के पद पर हुई है। जगदीश शर्मा ने झुंझुनू में अपनी कार्यशैली से वहां की जनता को प्रभावित किया था। शर्मा के झुंझुनू से तबादला होने पर वहां की जनता ने इनके कार्यों की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी। मिलनसार व कर्मठ कार्यशैली के एसपी जगदीश शर्मा ने भरोसा दिलाया कि जिले में कानून व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की शैली पर कार्य करेंगे। राजकीय अम्बेडकर हॉस्पिटल ब्यावर के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर ने एकेएच में कार्य के दौरान लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। आप पार्टी ब्यावर अध्यक्ष नीलेश बुरट ने जयपुर निदेशालय को पीएमओ के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों से अवगत कराया। पीएमओ के खिलाफ सौंपे गए शिकायती पत्र के अनुसार ब्यावर से कोरोना मरीजों को रेफर करने, वेंटिलेटर की गलत सूचना देने और कोरोना इलाज में लापरवाही बरतना आदि शामिल थी। कोरोना इलाज में लापरवाही करने के मामले में पीड़ित विमल चंद बुरट की आरटीआई अपील की सुनवाई निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने जयपुर स्थित निदेशालय में की थी, जिसमें निदेशक ने आरटीआई की सूचनाओं का गलत और अपूर्ण जवाब देने पर पीएमओ श्रीवास्तव को फटकार लगाते हुए चाही गई सही सूचना देने के आदेश के साथ कार्यप्रणाली में सुधार करने की नसीहत दी। साथ ही भविष्य में लापरवाही करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। चिकित्सालय प्रशासन ने कोरोना महामारी में वेंटिलेटर को विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा इंस्टॉलेशन की ओके रिपोर्ट न लेकर स्टोर कीपर द्वारा दी गई ओके रिपोर्ट के बावजूद वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं करने पर पीएमओ को हाथों लिया और डॉक्टर श्रीवास्तव को झूठी व गलत जानकारी देने पर नाराजगी व्यक्त की, जिस पर पीएमओ श्रीवास्तव ने अपनी गलती स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा नहीं होने का विश्वास दिलाया। ब्यावर के एक अन्य अपीलार्थी अनिल गुप्ता के मामले में भी सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए। अपीलार्थी की ओर से एडवोकेट नीलेश बुरट ने पैरवी की। कल निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील की सुनवाई की गई, जिसके अंदर पीएमओ ब्यावर डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव भी उपस्थित हुए और पीड़ित की ओर से मैं एडवोकेट नीलेश बुरट भी उनकी तरफ से पैरवी की। मुख्य रूप से जो चीज़ें निकल के आई है वो ये आई कि 2 अलग अलग सूचना के अधिकार आवेदन में अलग अलग सूचनाओं देने पर निदेशालय ने बहुत नाराज़गी दिखाई है और पीएमओ से ये पूछा क्या इन दोनों आवेदनों पर आपके हस्ताक्षर है। पीएमओ ने कहा जी हाँ मेरे हस्ताक्षर है। तब उन्हें बहुत जोर की फटकार लगी कि एक ही चीज़ के एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर चालू है, एक तरफ कह रहे हैं वेंटिलेटर बंद है। उसको लेकर पीएमओ ने अपनी गलती स्वीकार करी कि साहब हमसे गलती हो गई है और इसी तरह से कई सारी गलत सूचनाएं दी। तो डॉक्टर हेल्थ ने उन्हें यह कहा है कि आप सूचनाएँ इन्हें पूरी दें और भविष्य में आप ध्यान रखें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से इस अपील का निस्तारण किया गया। पीएमओ ने माना कि उनकी सूचनाएं गलत थी, तो इस तरह से सूचना के अधिकार का जिस तरह से हॉस्पिटल प्रशासन उल्लंघन कर रहा है और कोविड महामारी के अंदर जिस तरह से मरीजों को रेफर किया जा रहा है, यह ब्यावर का एक दुर्भाग्य है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ब्यावर के चिकित्सालय की सुविधाएँ अच्छी हो। जब सब चीज़ें उपलब्ध हैं तो मरीजों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है। तो इन सब बातों को लेकर मैंने पीड़ित पक्षकार की ओर से अपील में पैरवी करी, जिसमें पीएमओ ने अपनी गलती स्वीकार करी और सही सूचना देने के लिए कही।
स्थानीय सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में प्रवेशित प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी सहित मूल प्रमाण पत्र जमा कराने का सिलसिला जारी है। निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। अब तक विज्ञान बायो में 175 में से 89, गणित में 88 में से 50, ऑनर्स भूगोल में 50 में से 25, ऑनर्स इतिहास में 50 में से 22, वाणिज्य में 400 में से 280 व कला संकाय में 700 में से 465 प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी जमा हुई है। हार्ड कॉपी जमा करने का कार्य प्रथम वर्ष की प्रवेश समिति द्वारा नियमित किया जा रहा है। फिलहाल बहुत कम छात्र छात्राओं ने अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। नोडल अधिकारी जलालुद्दीन काठात ने बताया कि आयुक्तालय के आदेशानुसार जिन विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान व ऑनर्स में नियमित प्रवेश हुआ है, ऐसे विद्यार्थी तुरंत अपने प्रवेश फॉर्म की हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करा दे, अन्यथा 8 जनवरी के बाद उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अभी पीजी का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 5 तारीख को बच्चों के फॉर्म भरने की थी और इसमें 6 से लेकर 8 तक जो है कॉलेज में फॉर्म चेक होंगे और इसके बाद 9 तारीख को वो आखिरी में शाम को जो है लिस्ट निकलेगी और 10 तारीख को चस्पा होगी। तो 10 तारीख से बच्चे अपना डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं कॉलेज के अंदर। मैं पूर्वाध के प्रवेश की जो प्रक्रिया जारी है तो उसमें 5 जनवरी जो मंगलवार कल गया है उसमें बच्चों को फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। 6, 7 और 8 को जो है हम लोग फॉर्म का वेरिफिकेशन करेंगे और 9 तारीख को करके बाद 10 तारीख को जो है लिस्ट चस्पा होगी। फिर बच्चा जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई कराएगा 10 तारीख के बाद। उसके बाद 14 तारीख को जो है ई मित्र के लिए हम लोग उसको पोस्ट करेंगे, फिर फॉर्म मतलब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा के ई मित्र पर अपने शुल्क जमा करा पाएंगे। उसके बाद नियमित कक्षाएँ प्रारंभ होंगी। बुधवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर ने किया ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के गजेंद्र सिंह राठौर द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन अंतर्गत ग्राम पंचायत नोंदरी मालदेव के ग्राम नोंदरी मालदेव एवं ग्राम पंचायत मेड़िया के ग्राम मेड़िया पंचायत समिति जवाजा में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। इसी के तहत राठौर ने ग्रामवार बनाई जा रही DPR का औचक एवं भौतिक निरीक्षण किया और ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर जिला समन्वयक SBM दिनेश वर्मा, विकास अधिकारी दिलीप जाधवानी, सहायक अभियंता शलभ टंडन, ग्राम विकास अधिकारी अरुण कचोट, सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी श्री गजेंद्र सिंह राठौर द्वारा हेडपंपों के पास सोखता खड्डा, किचन गार्डन, नाली सफाई, वर्मी कंपोस्ट एवं कंपोस्ट पिट के प्रस्तावित स्थलों का भी मौका मुआयना किया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सदर थाना क्षेत्र के खरवा में एक 17 वर्षीय किशोर का शव एक खंडर में मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर डिप्टी हीरालाल सैनी और सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधावत मय दल बल मौके पर पहुंचे, जहां मौका देखने पर मृतक के हाथ पांव बंधे हुए होने और शव एक बोरी में पड़ा मिला, जिस पर पुलिस ने अजमेर से FSL टीम बुलाकर जाँच शुरू की। घटना की खबर फैलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद हो गए और परिजन भी मौके पर पहुंचे। मृतक की शिनाख्त सोजत के चंडावल निवासी जयदेव के नाम से हुई। सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधावत ने बताया कि मृतक किशोर चंडावल जिला पाली का रहने वाला है, जो अपने नाना नानी के यहाँ खरवा आया हुआ था। मंगलवार शाम को खेलने के लिए बाहर निकला था तथा किशोर सुबह तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद सुबह शव मसूदा रोड बालिका विद्यालय के पास मिला। परिजनों के अनुसार किशोर मंगलवार की शाम को घर से बाहर निकला था, जिसे कुछ लोगों ने पतंग उड़ाते हुए देखा था। उसी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों से भी अपील करते हुए कहा कि यदि किसी ने उक्त किशोर के साथ किसी अन्य व्यक्ति को देखा हो या कोई जानकारी मिले तो उसकी सूचना पुलिस को देकर सहयोग करें। ये बच्चा है 17 साल का, इसकी रेड बॉडी मिली है, हाथ पैर बंधे हुए हैं। प्रथम दृष्टया इसका हत्या की गई है, मर्डर लगता है। जानकारी की जा रही है बच्चे को लास्ट टाइम किसके साथ देखा गया, कौन हो सकता है, किसने मारा है, पता कर रहे हैं। राष्ट्रीय नाई महासभा ब्यावर ने लिया अधिवेशन में भाग। जानकारी के अनुसार आयोजित कार्यक्रम में शहर नाई समाज के पदाधिकारी मंगलवार को राष्ट्रीय नाई महासभा के 17वें स्थापना अधिवेशन में भाग लेने हल्दीघाटी खमनोर जिला राजसमंद पहुंचे। आयोजन को लेकर राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप बड़गुजर ने बताया कि राष्ट्रीय नाई महासभा ब्यावर के पदाधिकारी महावीर प्रसाद मेवाड़ा के नेतृत्व में हल्दीघाटी खमनोर स्थापना अधिवेशन में सम्मिलित हुए। आयोजन के अवसर पर देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए नाई समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों
इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रीय नाई महासभा में नाई समाज के विकास पर विचार विमर्श हुआ और समाज को नई दिशा प्रदान करने के मुद्दे पर अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। अधिवेशन में ब्यावर राष्ट्रीय नाई महासभा के मुख्य पदाधिकारी, राष्ट्रीय नाई महासभा प्रदेश प्रवक्ता दिलीप भट्ट गुर्जर, प्रदेश सचिव महावीर प्रसाद मेवाड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सेन, अजमेर जिला उपाध्यक्ष अशोक सेन, जिला कोषाध्यक्ष मनीष हर्षवाल, राष्ट्रीय नाई महासभा ब्यावर शहर अध्यक्ष सुरेंद्र सेन, ब्यावर ग्रामीण अध्यक्ष शंकर सेन, नव युवक मंडल ब्यावर अध्यक्ष पिंटू हर्षवाल, सचिव कन्हैयालाल सेन, महामंत्री जितेंद्र राठौर, जिला संगठन सचिव गोपाल छापरवाल, सदस्य सुमित साखला सहित अन्य सेन समाज बंधुओं ने नाई महासभा स्थापना अधिवेशन में भाग लिया। शहर का ऐतिहासिक सुभाष उद्यान ब्यावर वासियों के लिए सुकून भरी जगह है और यहीं पर स्थित बिचरली तालाब की भी अपनी अलग ही अहमियत है। इन दिनों सुभाष उद्यान का तालाब शहर वासियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उद्यान के इस तालाब में जहां साल भर जल मुर्गाबिया, उन्हें जल कुकड़िया भी कहते हैं, इस तालाब की रौनक बढ़ाती है और तालाब के बीचों बीच स्थित भजन कुंड पर भी देसी सारस अपना डेरा जमाए रहते हैं। यह सारे दृश्य पर्यावरण में पक्षी प्रेमियों को काफी लुभाते हैं। इन दिनों इस तालाब में विदेशी पक्षियों ने भी अपना डेरा डाला हुआ है। यह पक्षी पिछले कुछ समय से तालाब में जलकुंभी होने के कारण आने से कतरा रहे थे, लेकिन अब बीते मानसून में पानी के बहाव के साथ जलकुंभी के बह जाने के बाद स्वच्छ हुआ तालाब अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है। यही वजह है कि विदेशी पक्षियों का मन भी मकरेड़ा के तालाब के साथ साथ सुभाष उद्यान के तालाब पर भी मोहित हो गया है। इस तालाब में प्रचुर मात्रा में जलीय जंतु एवं मछलियों की बहुतायत संख्या होने के कारण प्रवासी पक्षियों को भोजन आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। उम्मीद है कि परिषद प्रशासन भी तालाब की स्वच्छता को निरंतर बनाए रखने की ओर ध्यान देकर इसका ऐतिहासिक महत्व और सौंदर्य बरकरार रखने की दिशा में कार्य करते रहेगी। नगर परिषद में इन दिनों पार्षदों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य को लेकर उधेड़बुन जारी है और इसी के बीच नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक के सी मीणा को भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों के चलते एपीओ कर दिया गया। जानकारी के अनुसार नगर परिषद सभापति प्रत्याशी व पार्षद गोविंद पंडित ने स्वास्थ्य निरीक्षक मीणा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जयपुर स्वशासन विभाग को भी आरोपों की शिकायत की। इसके बाद डीएलबी के अधिकारियों ने स्वास्थ्य निरीक्षक मीणा पर लगाए गए आरोपों की जांच की और तथ्यों को ही पाए जाने के बाद केसी मीणा को एपीओ कर दिया गया। राजकीय अमृत कौर अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए बिछाई गई सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सक्शन लाइन की कवरिंग ठीक से नहीं होने के कारण प्लांट लीक हो गया, जिस कारण प्लांट की लाइन में से ऑक्सीजन लीक होने लगी। इसकी जानकारी मंगलवार को तब हुई जब बारिश के बाद लाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी से लगातार बुलबुले निकलने लगे। वार्ड में जाकर ऑक्सीजन लाइन के प्रेशर को जांचा गया तो पता चला कि प्रेशर पूरा नहीं आ रहा है। ऐसे में हादसे की आशंका के चलते अस्पताल प्रबंधन द्वारा पहले प्लांट से वार्ड में जा रही लाइन का बंद कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा ऑक्सीजन सक्शन प्लांट को इंस्टॉल करने वाली कंपनी के टेक्नीशियन को कॉल कर जानकारी देकर लाइन की मरम्मत के लिए कहा गया। जानकारी मिली है कि टेक्नीशियन ने 24 घंटे में लाइन की मरम्मत करने के लिए बोला है। दरअसल गत वर्ष मरीजों की सुविधा के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सक्शन लाइन डाली गई। प्लांट से सभी वार्ड में बेड टू बेड लाइन डाली गई। प्लांट से पुरानी बिल्डिंग में सीधी लाइन डाल दी गई, लेकिन आइसोलेशन में लाइन डालने के लिए सड़क खोद कर लाइन डाल दी गई। लाइन तो डाल दी गई लेकिन उस पर सीमेंट से वापस कवरिंग नहीं की गई, जिस कारण उसमें गड्ढा हो गया और पानी भरने लगा। संभवतया वाहनों की आवाजाही के कारण लाइन कहीं से पंचर हो गई और उसमें से ऑक्सीजन लीक होने लगे। दरअसल सोमवार को बारिश के बाद गड्ढे में पानी भर गया। गड्ढे में भरे पानी में से लगातार बुलबुले निकल रहे थे। सूचना मिली कि पाइप लाइन लीक हो गई है, जिस कारण प्लम्बर को बुलाकर चेक करवाया गया। मौके पर आते ही प्लम्बर ने बताया कि जहां से बुलबुले निकल रहे हैं वहां से पानी की कोई लाइन नहीं जा रही बल्कि ऑक्सीजन की लाइन जा रही है। जानकारी होने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा तत्काल लाइन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करवाई गई। हालांकि बाद में अस्पताल वार्ड के वॉल्व को बंद कर दूसरी लाइन को शुरू करवाया गया। इसके साथ ही आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को परेशानी ना हो इसको देखते हुए तत्काल वार्ड में 5 ऑक्सीजन सिलेंडर रखवा दिए गए तथा बैकअप के लिए 20 और सिलेंडर के लिए ऑर्डर दे दिए गए। शहर के सूरजपुर गेट स्थित तेजा चौक के समीप से जा रहे दो बाइकों के अड़ने पर दोनों बाइक सवार युवकों में बाइक अड़ने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्ष के युवक आपस में भिड़ गए। अचानक हुई मारपीट की इस घटना से लोगों में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आरपीएस रितेश कुमार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही दोनों पक्षों के युवकों ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्ष के 4 युवकों को हिरासत में ले लिया और चारों युवकों को थाने ले गई तथा चारों के खिलाफ शांति भंग में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।